So hello friends, a warm welcome to our channel TechMythBusters Hyperloop. So dosto, Hyperloop ek aisi advanced technology hai jiske madad se aap kuch hi seconds mein kafi lamba safar tay kar sakte ho. Jaise ki Bharat mein banne wala Hyperloop project jo ki Pune aur Mumbai ko connect karega. Bharat ke Maharashtra state mein Virgin Hyperloop ke dwara pehla Hyperloop Mumbai aur Pune city mein banaya ja raha hai. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइपरलूप आखिर काम कैसे करता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दोस्तों बाकी व्हीकल्स की तरह हाइपरलूप खुले एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता क्योंकि हवा के वजह से इसके स्पीड पर असर होता है और साथ ही हाइपरलूप बाकी व्हीकल्स की तरह किसी रोड या फिर किसी चीज के ऊपर नहीं दौड़ सकता क्योंकि हाइपरलूप में व्हील्स नहीं होते हैं. हाइपरलूप एक बेहद ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है. इसमें एक बड़ी ट्यूब होती है और इसके अंदर छोटी कैप्सूल होती है. पैसेंजर्स को इन्हीं कैप्सूल्स के अंदर बैठना होता है. किसी ट्रेन के डिब्बे की तरह यह कैप्सूल्स एक दूसरे को अटैच नहीं रहते. यह सिंगल कैप्सूल्स होते हैं जिसमें कि एक लिमिटेड स्पेस होती है और लिमिटेड स्पेस के अंदर ही यात्रियों को ट्रैवल कराया जाता है. यह कैप्सूल्स जिस ट्यूब के अंदर ऑपरेट होती है उसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और फिर किसी मैग्नेट ट्रेन की तरह इस कैप्सूल को ट्यूब में ही लेविटेट किया जाता है और बाद में इसे हाई स्पीड से मूव किया जाता है. दोस्तों एक नॉर्मल मोटर में जैसे स्टेटर और रोटर होती है ठीक वैसे ही इसमें स्टेटर पटरियों के तौर पर बिछाए जाते हैं और इसी पर कैप्सूल लेविटेट होती है और कैप्सूल्स पर रोटर वाइंडिंग होती है और बाद में इलेक्ट्रिक करंट के मदद से उसे लेविटेट किया जाता है. क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता है और न ही कोई एयर रेजिस्टेंस होता है इसी वजह से यह हाईएस्ट स्पीड से ट्रैवल करती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है. सो दोस्तों इस वीडियो की मदद से आप तो शॉर्ट में समझ ही गए होंगे कि हाइपरलूप आखिर काम कैसे करता है. सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा. सो ऐसे इंटरेस्टिंग डिस्कवर सीरीज की वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल टेक मिथ बस्टर्स एंड बी स्मार्ट एंड बी अवेयर.